गन्ने की जो जड़ होती है, यदि आप उसको निकाल करके, सुखा करके, साफ करके, टुकड़े करके रख लें, और वह आपकी किडनी रोगों के लिए, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको यूरिन की प्रॉब्लम है, उसके लिए गन्ने की जड़ बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी है। तो उसके लिए आप गन्ने की जड़ को निकालिए, निकाल करके लगभग 10 ग्राम जड़ को आप पकाइए 400 ग्राम पानी में, पका करके जब बच जाए 100 ग्राम आप पीजिए छान करके, तो आप देखेंगे जो आपकी पेशाब की परेशानी है और जिन भाई बहनों को किडनी की परेशानी है, उस गन्ने की जड़ के अंदर आप डाल सकते हैं नीम की छाल और पीपल की छाल। नीम छाल, पीपल छाल और गन्ने की जड़, यदि तीनों चीज़ों को आप मिला करके पीते हैं तो आपको लाभ होगा तुरंत किडनी की परेशानी में। तो जो किडनी के रोगी हैं, जो मेरे भाई बहन डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से परेशान हैं, वो लोग ये सहज सुलभ चीज़ें हैं। आप गांव से गन्ना मंगाते हैं, गन्ने वाले से आप गन्ने की जड़ भी मंगाइए, उस जड़ का आप काढ़ा बना करके पीजिए, फिर देखिए कितना वह प्रभावकारी है। जो मूत्र कृच्छ्र के जो रोगी हैं, जिनको यूरिन रुक रुक करके आता है, खुल करके पेशाब नहीं होता है, उन लोगों के लिए भी यह गन्ने की जो जड़ होती है, उस जड़ को यदि आप निकाल करके 8-10 ग्राम की मात्रा में लेकर के, एक समय के लिए 10 ग्राम चाहिए, लगभग 400 ग्राम पानी में उबालिए, बच जाए 100 ग्राम आप छान करके पीजिए, फिर आप देखेंगे जो आपकी पेशाब की जो समस्या है, गन्ने की जो जड़ है, वह निश्चित रूप से ख़त्म कर देगी। और जिनको मूत्र कृच्छ्र है और डायबिटीज के पेशेंट नहीं है, वो लोग गन्ने का नित्य प्रति सेवन करके, कुछ समय पर आप गन्ने को चूसिए तो उससे निश्चित रूप से जो मूत्र कृच्छ्र की बीमारी है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी।